ज्यादा ही तेज लहर, बहुत ज्यादा तेज लहर है, समुद्र से पानी आ जाता है, देख सकते हैं रोड है, क्योंकि एक एक तूफान आया और पूरा धनुषकोडी को एक रात में बर्बाद कर दिया था। टेम्पल जहाँ पे राम जी के पैरों के निशान थे, रामान पदम चले हैं कहाँ मैं तो जान। रेलवे वाली चाय भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम लोग धनुषकोडी में अभी हैं और आपको कल व्लॉग में दिखा था कि कैसे हम लोग धनुषकोडी में पहुंचे थे। आज हम लोग पूरा धनुषकोडी एक्सप्लोर करने वाले हैं और धनुषकोडी कैसे बर्बाद हुआ उसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो आपको बताता हूं पूरी जानकारी, आप बने रहिए मेरे। तो गाइस देख सकते हैं ये लाइट हाउस है धनुषकोडी में और ये बहुत बड़ा सा लाइट हाउस है और ये रोड जा रहा है। यहाँ पर नाव रखी पड़ी है, देख सकते हैं ये बोट वोट पड़ी हुई है और चारों तरफ समुद्र है, दाएं समुद्र बाएं समुद्र, समुद्र छोड़ो महासागर ही एक तरह से पहुंचने वाला है और काफी अच्छा लग रहा है। वैसे ये बंगाल खाड़ी माना जाता है, इंडिया ही खत्म है, आगे थोड़ी देर में आप इंडिया खत्म होने पे आ गया है और यहाँ से मैं आपको पॉइंट दिखाऊंगा, काफी खुशी हो रही है। तेज लहर, बहुत ज्यादा तेज लहर है, काफी अच्छी वाली फीलिंग आ रही है, बहुत मजे आ रहे हैं। और अभी चल रहे अपने दोस्तों से मिलने और एंड में जा रहे हैं, एंड में कुछ जो वाइट येलो कलर की वो लिख रही है भाई है अरुचल मुन्नई, अरुचल मुन्नई हम पहुंच गए जो धनुषकोडी से भी आगे 5 किलोमीटर और ये इंडिया का लास्ट पॉइंट है भाई, इससे आगे श्रीलंका है। कोई बंदा यहाँ से नहाने की कोशिश करेगा वहाँ भी पहुँच सकता है। तो गाइस ये देख सकते हैं हमारा अशोका एम्बलम और ये लास्ट पॉइंट है, देख सकते हैं गोल पॉइंट से बन रखा है और हमारे दोस्त सामने बैठे पड़े हैं, काफी अच्छा लग रहा है। ये लोग पहले पहुंचे पड़े, तो कैसा लग रहा है अभी? बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है भाई, इतना ज्यादा मजा आ रहा है कि क्या बताओ यार। नो एनिमल बर्ड्स भाई, यार ये देख पा रहे हो ना, तो भाई देखो लास्ट पॉइंट है, ये इंडिया का लास्ट पॉइंट है, यही है इंडिया, और काफी खुशी हो रही, काफी मजे आ रहे भाई। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं, देख सकते हैं चारों तरफ समुद्र, अब देख सकते हैं ये इंडिया का लास्ट पॉइंट है और ये गोल सा बन रखा है, काफी मजे आ रहे भाई, बहुत ज्यादा मजे आ रहे हैं। ये पॉइंट और काफी तगड़ा है और काफी डेंजरस है, इसीलिए ये डेंजरस जगह में एक है, डेंजरस जगहों में से एक है। यहाँ पे एक बार घटना भी घट गया था जो कि बहुत पहले घट रहा था, उसके बारे में मैं अभी बाद में जानकारी दूँ, पहले आप मजे लो पूरी जानकारी। तो गाइस हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, काफी मजा आ रहा है, काफी फीलिंग एक्साइटेड हो गई है। अभी हम बैठे हैं किनारे, समुद्र के किनारे, तो यहाँ पे इतनी तेज हवा आ रही है, हवा का फील लेने में अपना ही मजा है। तो गाइस मिलते हैं, तो गाइस देख सकते हैं समुद्री समुद्र है, ये देख सकते हैं इधर भी समुद्र और इसकी ये रोड भी एंड हो रहा है, जो ये रोड जहाँ एंड हो रहा है उसके आगे भी समुद्र खत्म है। तो मैंने आपको वो पॉइंट दिखाया था और सामने सूर्य निकला पड़ा है जो कि डूबने के कगार पे अब शाम हो गई है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि इस रोड पर जो मेरे पीछे रोड है धनुषकोडी का, कहाँ कहाँ से पानी आ जाता, पूरे समुद्र से पानी आ जाता है, देख सकते हैं रोड है, रोड के ऊपर पूरा बालू वालू पड़ा हुआ है, पूरा आप देख सकते हैं पूरा बालू वालू पड़ा हुआ है, काफी देख सकते हैं पूरा बालू वालू, देख सकते पूरा बालू यहाँ तक, यानी कि रात तक में यहाँ पे पानी आ जाता है, सोचने वाली बात है। तभी तो 6 बजे के बाद इतनी तेज हवा चल रही, पानी बहुत आगे तक आ जाता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग वाली बात लगी मुझे सुनकर, तो मेरा सोचा रुका जाए, बट यहाँ पे कोई परमिशन नहीं है रुकने की, यहाँ पे सभी टूरिस्ट, यहाँ पे कोई नहीं रहता, सब गायब हो जाते हैं क्योंकि सभी मालूम है पानी आने का, मतलब समुद्र का पानी यहाँ तक आ जाता है। और काफी मजा आ रहा है, बहुत तेज हवा चल रही है, फुल मजे लिए जा रहे हैं गाइस, फुल मजे आ रहे हैं, आगे मिलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं रेलवे स्टेशन, धनुषकोडी रेलवे स्टेशन एक टाइम पे हुआ करता था और ये मैं आपको दिखा सकता हूँ पीछे कुछ अंश है। तो दोस्तों मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ धनुषकोडी के बारे में कि धनुषकोडी एक टाइम पे पूरा एक शहर हुआ करता था जहाँ पे स्कूल थी, हॉस्पिटल थे, कॉलेज थे,
बस स्टैंड हुआ करता था, लोग रहते थे, मार्केट लगता था और पूरा रेलवे स्टेशन हुआ करता था। एक धनुषकोडी पूरा एक शहर था जो कि वहाँ पर लोग आना जाना करते थे, लोग घूमने आते थे। पर वो अब धनुषकोडी एक सिर्फ एक याद बन के रह गया है। वो 21 दिसंबर की रात थी, 21 दिसंबर को तूफान आया था, 21 दिसंबर 1964 को, और उस तूफान ने पूरे धनुषकोडी को बर्बाद कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। उसके मैं अंश देखा, आपको दिखा दूँगा अभी पूरे, वहाँ पे रेलवे स्टेशन के कुछ अंश रह गए हैं। और आपको एक बार बताना चाहता हूँ, पूरी ट्रेन बह गई थी, इतना मतलब वहाँ पर अब ये हॉन्टेड प्लेस नाम से जाना जाता है, और इसे घोस्ट टाउन भी कहा जाता है, घोस्ट टाउन ऑफ धनुषकोडी कहा जाता है, जो कि अब कुछ नहीं बचा पड़ा है। और धनुषकोडी आपको दिखाऊंगा तो आपको दिखी रहे चारों तरफ, इधर भी समुद्र उधर भी समुद्र, और पूरी लहर ने पूरे शहर को बर्बाद कर दिया था। तो धनुषकोडी में के 1800 से ऊपर लोग मर गए थे और पूरी एक ट्रेन बह गई थी, बहुत लाखों का नुकसान हुआ था। तो ये साइक्लोन आया हुआ था रात में, इससे बहुत नुकसान हुआ था। तो गाइस यही है मैं आपको बताना चाह रहा था, धनुषकोडी की कुछ जानकारी दे दिया। और अभी हम आपको दिखाने वाला पूरा धनुषकोडी के कुछ स्टेशन के अंश, कुछ पटरियाँ, लाइट हाउस बन रखे हैं जो थोड़े बहुत है, मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। तो गाइस ये है कहानी। तो अब समुद्र के नीचे कुछ ही नहीं है, सिर्फ पूरा चारों तरफ समुद्र है, क्योंकि एक एक तूफान आया और पूरा धनुषकोडी को एक रात में बर्बाद कर दिया था। और ये रोड है, ये कुछ अंश है, देख रहे हैं हम लोग और कोशिश कर रहे हैं। स्टेशन वाला लाइन है ये, एक टाइम पे लंबी सी जा रही है जो कि अब ख़त्म हो चुका सब कुछ। तो गाइस देख सकते हैं ये रेलवे स्टेशन के कुछ अंश बचे पड़े हैं, धनुषकोडी रेलवे स्टेशन एक टाइम पे ऐसा हुआ करता होगा। पीछे देख सकते हैं समुद्र है, समझ में नहीं आ रहा, पूरा मतलब तबाह हो चुका है, जो कि देख सकते हैं। आई थिंक ये पटरी दिख रही है हमें, पटरी सी दिख रही है, ये देखिए पटरी है, ये जाती होगी। हेलो ब्रो, क्या है? धनुषकोडी रेलवे स्टेशन, धनुषकोडी रेलवे स्टेशन है, दिस ट्रैक है। तो देख सकते हैं ये भाई बता रहे हैं, आपका नाम, नोट्स योर नेम, नेम रास मारी रास। ओ काफी खुश हुई आपसे मिलकर। और रेलवे स्टेशन आप लोग आप यहीं पे रहते हैं? तो कैसा हुआ करता था कुछ जो ओल्ड सुनने में? ये रेलवे स्टेशन ये पूरा उस पार बस स्टैंड, ओ साइड बस स्टैंड था, ओ तो ये सब तबाह हो चुका है अब तो, समझ मतलब टाइड इधर और भी पानी आ जाता है कभी काल, पानी आता है यहाँ तक, पानी समंदर आ जाता है कब, मतलब अभी तो नहीं आ रहा, कब कब आ जाता है वैसे? अभी नहीं आ रहा, ओ पूर्णिमा अमावस वाले दिन आता होगा, जब चांद पूरा होता है तो पानी आता है, पूर्णिमा कली है। तो और काफी हवा तूफान आता है, तूफान मतलब टाइड हवा बहुत तेज, सुबह ओ। तो काफी खुशी है आपसे मिलकर, हाथ मिला के खुशी हुई, और मिलेंगे दोबारा। ओके तो गाइस काफी हमें पता चला जानकारी, और ये देख सकते हैं रेलवे स्टेशन का था, और ये भी रेलवे स्टेशन हुआ करता, ये सारा रेलवे स्टेशन हुआ करता था जो कि बन चुका है। आप देख सकते हैं पीछे कुछ है, मैं आपको पॉइंट दिखा पा रहा हूँ, ये कुछ बना होगा इस टाइम पे, एक टाइम पे ये सब पूरा रेलवे स्टेशन हुआ करता था, जो कि अब टूट चुका है, पूरा ख़त्म हो चुका है। और ये मैं बताता हूँ इसके बारे में कुछ जानकारी। तो देख सकते हैं गाइस काफ़ी गुफा टाइप की है, ये एक टाइम पे हुआ करता था, सब तबाह हो चुका है। देख सकते हैं कुछ अंश है, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, देख सकते हैं कुछ टेम्पल टाइप का बन रखा था, सामने पटरी जा रही है, ये यार्ड टाइप का लग रहा है, देख सकते हैं एक टाइम पे ऐसा हुआ करता था, ये टेम्पल हुआ करता था एक टाइम पे, ये पूरे टेम्पल था एक टाइम पर, मंदिर देख सकते हैं, मोर देखो आप, मोर है,
ये एक टाइम पे धनुषकोटी रेलवे स्टेशन हुआ करता था जो कि अब खत्म हो चुका है। और काफी बेटे रेलवे वालों को मानना पड़ेगा, सब कुछ तबाह हो गया, सारा स्टेशन अभी तक वैसे ही अजरअमर खड़ा है। तो रेलवे वाले की मजबूती पे कभी शक मत करिएगा। और इंदर रेलवे का सामान इतना मजबूत होता है कि मुझे दर्द आज भी देता है ये। तो इनका भी चोट उठ लगा तो सब समझ सकते भाई, काफी मजे आ रहे हैं और काफी खुशी हुई। तो अब चलते हैं आगे और चलते हैं अब सीधा रामेश्वरम। तो गाइस अभी काफी दूर है और हम लोग चल चल के थक गए हैं, काफी दूर है और हम थक गए हैं। सबके 6 बजने वाले हैं और यहाँ पे लोगों से बात की, पर यहाँ के लोग जैसा पिछड़े हुए हैं, मतलब कोई नेट नहीं यहाँ पे। यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन मतलब तो आप भूल जाओ, नो पेटीएम, नो इंटरनेट कनेक्शन, कोई नेटवर्क, इंटरनेट कनेक्शन की तो छोड़ो, इधर नेटवर्क तक नहीं है, कोई कुछ नहीं। ये लोग क्या, उनका कोई कार्य भी नहीं, सिर्फ लगता है मछली पालन ही चल रहा है इनका, फिशिंग इनका व्यवसाय है। लगती है मुंह पे और थप्पड़ लगती है, थप्पड़ एक तरफ समुद्र, दूसरी तरफ भी समुद्र, तो यही चल रहा है, हवा आती है तो यही चल रहा है, तो काफी सही लग रहा है। तो हमारा कैमरा भी अभी डिस्चार्ज हो चुका है, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लाइट तो है नहीं, तो लाइट भी नहीं है, पास चार्जर तो है बट इधर लाइट का चक्कर नहीं है। तो आगे मिलते हैं, आपको दिखाते हैं। अरे रामा प्रथम टेम्पल जो कि यहाँ से करीब करीब स्टेशन से कितने किलोमीटर है, 4 किलोमीटर की दूरी पर है और हम लोग जा रहे हैं वो टेम्पल घूमेंगे, पहला टेम्पल है। उसके बाद हम लोग जाएंगे दोबारा दूसरे टेम्पल घूमने जो कि हमारे बगल में है, रामाथिरम के अलावा कौन सा है ये वाला, नहीं वो ज्योतिर्लिंग टेम्पल आप जाएंगे घूमने। उसके बाद वहाँ उस टेम्पल में घूमने के लिए समुद्र में नहाना पड़ता है जो कि अभी नहीं नहाएंगे, पानी में जरूर नहाएंगे, बेशक गंदे हो वैसे तो अभी भी गंदे ही हैं हम, तो बिल्कुल साउथ वाले तो लग ही रहे, बस आगे नहाना ना करना हुआ है बस वो अलग बात है। बस पहुँच रहे हम लोग और अब प्रथम टेम्पल चलने के बाद देखते हैं कैसा सीन है। हालांकि मुझे मालूम है कैमरा तो अलाउड रहता नहीं, पूरे साउथ के टेम्पल में कैमरा अलाउड नहीं है, बट जितना हो सकता है वैसे लगा ही होगा जरूर, बट उसकी जानकारी हम आपको दे सकते हैं जितना हो सकता है। हम लोग चलते हैं और आपको शो करते हैं, तो मिलते थोड़ी देर। तो गाइस हम लोग रास्ते पे जा ही रहे थे तो बगल में हमें दिखा लाइट हाउस जो कि बहुत बड़ा सा है, आपको दिखा सकता हूँ मैं, ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ा लाइट हाउस है, देख सकते हैं वहाँ पर सबसे बड़ा लाइट हाउस है जो कि हम लोग अभी वहीं पर पहुँच रहे हैं, ये रास्ते में पड़ रहा है और काफ़ी सही लग रहा है। तो गाइस हम लोग पहुंच गए रामाथिरम टेम्पल क्योंकि यहीं पर है, हम लोग पहुंच गए, ये देख सकते पीछे टेम्पल है, इस टेम्पल पे हमें जाना है और अभी पहुंचते हैं आपको पूरा दिखाते हैं एक एक चीज़, क्योंकि अब शाम का टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। तो चलते हैं, बस हम लोग पहुँच चुके हैं रामाथिरम टेम्पल, देख सकते काफ़ी पुराना टेम्पल है और पीछे देख सकते हैं पूरा पानी सा है, देख सकते हैं पूरा एकदम ऊपर से कैसा दिख रहा है, यहाँ से लगभग पूरा रामेश्वरम दिखा रहा है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। और आगे चलते हैं टेंपल के ऊपर। तो गाइस ये है टेंपल, ये देख सकते हैं पंपन ब्रिज भी दिख गया, वो देख सकते हैं दूर में पंपन ब्रिज है उधर की साइड में। तो गाइस यही है टेंपल जहाँ पे राम जी के पैरों के निशान थे, रामान पदम, और ये सीढ़ी जा रहा है टेंपल के ऊपर से ऊपर की तरफ, तो वहाँ चलते हैं हम लोग देखते हैं। टेंपल है जो ऊपर है, देख सकते हैं हम लोग कितने ऊपर पे है पॉइंट पर, और आज का दिन जो है वो कौन सा दिन है, पूर्णिमा का दिन है। तो गाइस आज पूर्णिमा का भी दिन है, दिखा सकता हूँ मैं चांद, कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, दिख रहा है ऐसे चांद पूरा, देख सकते हो पूरा गोल है, देख सकते हो सन दिख रहा है और ये देख सकते हैं समुद्र के कुछ पानी है और आगे पूरा समुद्र ही पड़ रहा है। तो दोस्तों मैं रामान पंदरम मंदिर की कुछ खासियत बताना चाहता हूँ, जब राम जी यहीं पे विश्राम किए थे, जब उन्होंने हनुमान जी को सीता को ढूंढने के लिए भेजा था और हनुमान जी गए थे सीता को जब ढूंढने गए थे, तब राम जी ने इसी मंदिर पे विश्राम किया था और इसी कारण यहीं पे राम जी के पैरों के निशान है और काफ़ी फेमस मंदिर है, लोग इधर आते हैं रामेश्वरम में तो इस मंदिर पर जरूर आते घूमने के लिए।
तो गाइस काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं उस टाइम पे दिखा नहीं पाया, अभी मैं होटल के साइड आया हूँ तो आपको बता पा रहा हूँ। तो गाइस हम लोग रामपदम से निकलने के बाद अब हम लोग स्टेशन में जा ही रहे थे तो टी टाइम पे आके चाय पीने, काफ़ी यहाँ की चाय मशहूर है, यहाँ का फेमस है भाई टी टाइम, तो आपको दिखाता हूँ मैं चाय और वहाँ पर पीते हैं आपको। तो गाइस यही है टी टाइम, हम लोग जा रहे हैं पीने, जा रहा सनी लेने चाय। ये चाय आप एकदम अब्दुल कलाम हाउस है उसके जस्ट बगल में, आप वहाँ पे जाके चाय ले सकते हैं 10 रुपये पीस है। ये चाय आ गई हमारी, ये लिखे होंगे टी टाइम और ये चाय पी रहे हैं इंदर और सनी। तो चाय पहले कौन टेस्ट कर रहा है? तो सनी कह रहा है मैं टेस्ट कर रहा हूँ। कैसी चाय है? नहीं क्या बात कर रहा है, नहीं ये सही यार, मुझे सही नहीं, मजा नहीं आया। अच्छा तो मैं टेस्ट करता हूँ, एक बार चेक करता हूँ। ले ले भाई, मन के मेरे ये भरम, कच्चे मेरे ये करम, लेके चले हैं कहाँ मैं तो जान। रेलवे वाली चाय भाई, आप ये चाय लो चाहे रेलवे की चाय लो बराबर है। टी टाइम फेमस है, जो फेमस चाय लगता है ना मेरे को तो लगता है जो फेमस है वही बदनाम है। IRCTC की चाय पिला दी टी टाइम ने हमें। मैं तो चाय मुझे पसंद नहीं है, चीनी ऐसा लग रहा है ही नहीं, वो जो शुगर फ्री है उनके लिए तो फायदा, पर इसमें दूध भी नहीं है। दूध फ्री जो दूध फ्री है वो भी पी सकते हैं, तो मुझे गाइस बिल्कुल पसंद नहीं आया चाय, तो बस यहाँ लाइट है तो हम चाय पीते हैं और उसके बाद पहुँचते हैं। यहाँ बस लाइट है और बाकी चाय जो है वो डार्क है, ऐसा लग रहा है चाय को कुपोषण हो गया है। दोस्तों हम चाय पीने के बाद अब आ गए हैं और अगले ब्लॉग में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमारे ब्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बताइए कैसा लग रहा है ब्लॉग, और सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को। तो मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में।